तारीख 19 जुलाई 2019, दिन शुक्रवार। वक्त सुबह के 7 बजे। अभी सहर हुई ही थी कि उस शहर के धूमनगंज इलाके की खामोश फिजा में गोलियों की गूंज पैबस्त हो गई। इत्तला मिलने के बाद पुलिस की खामोशी में भी खलल पड़ी और धूमनगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, जहां बेखौफ हथियारबंद बदमाशों की खौफनाक करतूत की जानकारी मिली। निशाना प्रकाश नाम के उस शख्स को बनाया गया था जो रेलवे में नौकरी करता था। बकौल प्रकाश के घर वाले, उसकी किसी से रंजिश नहीं थी। फिर भला किसकी साजिश और किसके बंदूक से निकली गोली ने प्रकाश का सीना छलने किया, ये सवाल हर किसी के सामने था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। आज सुबह 6:30 बजे ये घर पे ही थे और अखबार पढ़ रहे थे, उसी समय पीछे से आकर के किसी ने इनको गोली मारी है। इनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। फिलहाल इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे से हम लोगों को कुछ मदद मिली है, कुछ क्लू मिले हैं, बहुत जल्दी हम इसका खुलासा करेंगे। पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज के जरिए कुछ ऐसे सबूत हासिल हुए हैं जिसकी बिना पर पुलिस जल्द ही कातिलों तक पहुंचने की बात कर रही है। खुद पुलिस की फहरिस्त बताती है कि प्रयाग में अपराध अपने चरम पर है, बेखौफ गुनहगार लोगों को निशाना बना रहे हैं और पुलिस सब कुछ हो जाने के बाद कुछ करने के लिए हरकत में आती तो है, लेकिन पुलिस की हरकत उन बेखौफ बदमाशों पर बेअसर साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।